आई थिंक वी आर गोना गो बैक। आर यू एक्साइटेड? ये मम्मी है, क्या कर रहे हो? चिल करूंगी, चिल। बहुत ज्यादा। बहुत, कितना? बहुत बहुत ज्यादा। ATR। वाह। ऑल टाइगर रिजर्व। यस, ऑल टाइगर रिजर्व्स। ATR के इस लंबे सफर के पहले रोजाना व्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज से हम अगले 6 महीने तक रोज मिलेंगे, पर ये वादा नहीं, एक कोशिश है। एक कोशिश जिसमें आप मेरे साथ इंडिया के सारे टाइगर रिजर्व्स में चलेंगे, और इस कोशिश की शुरुआत होती है सरिस्का से। So, आज की मॉर्निंग हो चुकी है और अब हम निकलने वाले हैं फाइनली सरिस्का के लिए। पिछले 7 दिन बहुत टायरिंग थे, इसलिए आज थोड़ा सा देर से उठे, 1 बजे उठे, मतलब थोड़ा देर से नहीं, काफ़ी देर से उठे। और अभी फ़िलहाल है टाइम 2:30 एंड वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स सरिस्का। फाइनली सरिस्का दिल्ली से कुछ 200 किलोमीटर दूर है, और कल की रात आटरियो में बिताने के बाद मम्मी ने ट्रिप फ्लैग ऑफ की और हम मीटर जीरो करके चल दिए राजस्थान की ओर। अब राजस्थान मेरे लिए हमेशा से स्पेशल है। यहाँ के जंगल तो बेहद खूबसूरत हैं ही, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ की कड़ी कचौड़ी और चाय। राजस्थान की किसी भी गली नुक्कड़ पर जाके ट्राई कर लीजिए, आपको चाय हमेशा बहुत ही बढ़िया मिलेगी। और इस कचौड़ी और चाय के चक्कर में हम मिले सुनील भैया से। अपना नाम बताओ। सुनील कुमार प्रजापत। सुनील कुमार प्रजापत। प्रजापत। और ये कौन सी कचौड़ी खिला रहे हो? ये दाल कचौड़ी। बढ़िया है, तो एक कचौड़ी खिला दो। हमारे साथ एक चीज़ तो होने वाली है, ऑफकोर्स सरिस्का तो हम पहुँचने वाले हैं, पर रास्ते में मिल गई कचौड़ी की दुकान। एंड इफ वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर, यू एंड मी, देन देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ फूड, लॉट ऑफ। अब पेट भर कर हम अपने रिजॉर्ट की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें मिले ये भाई साहब, जो इन्हें पहली बार देख रहे हैं। ये सांबर डियर के परिवार से हैं, जो इडली डोसा वाले सांभर से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं रखता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनके बारे में बात करना ज़रूरी क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सांभर डियर का नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। सो बेसिकली यू जस्ट सॉ हाउ द एनिमल बिहेवियर चेंजेस। अभी ये सांभर बिल्कुल रोड पे था, और जब हम जंगल में सांभर को देखते हैं तो बहुत तेज भागता है अंदर, जैसे ही गाड़ी उसके आसपास रुकती है। बट दी सांबर्स आर वेरी कंफर्टेबल। एनिमल्स ऑन द हाईवे बिकम वेरी कंफर्टेबल बिकॉज दे कम हियर टू फाइंड सम फूड सोर्सेज। और बहुत बार हाईवेज के एजेस पर हम लोग खाना फेंक जाते हैं एंड दे स्टार्ट फीडिंग ऑन दीज। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर उनको आदत पड़ती है हाईवे पर खाना खाने की, साइड से उठा उठा के खाना खाने की, सो देन इट बिकम्स अ थ्रेट टू देयर लाइफ। बिकॉज जब इन्हीं हाईवेज पे ओवर स्पीड होती हैं गाड़ियाँ, और रात को अगर कोई नीलगाय या कोई सांबर सामने आ जाए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू प्रीच, ऑब्वियसली आई डोंट वॉन्ट टू साउंड लाइक अ प्रीचर और समथिंग, बट एक छोटा सा सजेशन है कि हाईवे पे खाना मत खिलाओ जानवरों को। जैसे बंदर वगैरह क्यों ले, हम केले ले जाते हैं, ये उन्हीं की लाइफ के लिए थ्रेट है। इट्स नॉट अ गुड डीड दैट वी आर डूइंग। ऐसा नहीं है आप उन्हें खाना खिला के कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और उनका काम है खाना खुद से ढूंढना। नेचर ने उनको ये पावर दी है, बट अगर हम उनको खाना खिलाना चालू कर देंगे एंड इफ दे स्टार्ट कमिंग ऑन दी हाईवेज, विच दे ऑलरेडी डू, तो ये उनकी लाइफ के लिए बहुत थ्रेटनिंग हो जाएगा। फाइनली हमने चेक इन किया सरिस्का सफारी लॉज में, जो अपने आप में बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है, बढ़िया स्पेशियस रूम्स और बहुत ही प्यारी लोकेशन। पर क्योंकि आज अंधेरा हो चुका है, तो इसका प्रॉपर्टी टूर मैं आपको कल दूंगी। आज जरा थोड़ी जरूरी बात कर लेते हैं। अभी टाइम हुआ 8:33 और सरिस्का हम पहुंचे हैं 2 घंटे पहले। आए सरिस्का सफारी लॉज में, चेक इन किया, और अब मैंने सोचा कि फटाफट आपसे सरिस्का के बारे में बात कर लूं। ATR की शुरुआत सरिस्का से करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सरिस्का वर्ल्ड में पहला रिजर्व है जो रीलोकेटेड टाइगर्स से बना है,
और ये एरिया सरिस्का का एरिया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था 1978 में. तो अपने आप में सरिस्का की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है. अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अक्सर आपने सुना होगा लोगों से कि सरिस्का में टाइगर साइटिंग ज्यादा नहीं होती है, पर लास्ट कुछ सालों में सरिस्का ने उस बात को बहुत अच्छे से बीट किया है क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा टाइगर दिख रहा है. एक बहुत ही फेमस टाइगर भी है यहाँ का युवराज, जिसके हंट में हम भी कल जाने वाले हैं. इफ यू आर लकी वी माइट सी युवराज एज वेल. बहुत मन है मेरा एक बार युवराज को देख जाऊं सरिस्का से. अपार्ट फ्रॉम दैट, कल एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट से भी हम मिलने वाले हैं जो हमें सरिस्का की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाने वाले हैं. अब हमारा शुरू करने का एक रीजन और था, राजस्थान से हमको एटीआर स्टार्ट करना था एंड चॉइस थी सरिस्का और रणथंभौर में. नाउ सरिस्का का एक फेज था जब यहाँ पे टाइगर्स दिखने बंद हो गए थे फॉर श्योर, बट अभी वो चीजें बदल रही हैं. अभी यहाँ पे टाइगर्स साइटिंग्स काफी अच्छी हो रही हैं और पार्क जो है वो भी बहुत सुंदर है. मेरा फर्स्ट टाइम है सरिस्का में, इसलिए आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. कल मॉर्निंग में हमारी पहली सफारी होने वाली है और हम 3 दिन तक सरिस्का में रुक रहे हैं. सो इफ यू आर समबडी हु इज अराउंड एंड इफ यू आर समबडी हु इज अ लोकल ओवर हियर, यू कैन एक्चुअली कम अप विद सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज. तो आइए बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं और सरिस्का की कुछ बढ़िया सी कहानियां सुनते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाबा कुछ नहीं रखा सोशल मीडिया में, आपकी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बाबा वेरीफाई भी हो जाओगे, बस चिल करो. इस तरह क्या चाहिए, कुछ नहीं रखा, मोह माया में. हाँ जो इसीलिए मैंने एटीआर बना किया था बेटा. अभी यहाँ पे तुम्हें बड़ी जल्दी समझ आया, एटीआर स्टार्ट करने के बाद समझ आया कुछ नहीं रखा. आज पहला दिन है, बहुत मौके आएंगे.